स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराकर सभी को बधाई दी। कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने लखनऊ के कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, देश की स्वतंत्रता का यह साल अपार खुशी का मौका जरूर है, लेकिन इसके जश्न में चार चांद लग जाता है। अगर देश की 125 करोड़ जनता पर बढ़ती महंगाई, जानलेवा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य आदि की चिंताओं से मुक्त होकर सबसे हर दिन त्रस्त न होती। अखिलेश यादव ने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए कुछ सरकारें हिंदू मुसलमान और आपसी भाईचारा बांट रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज हालात देश में ऐसे हो गए हैं कि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देश के सामने आज चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है। देश के लाल किले पर खड़े होकर जो संकल्प लिए जाए वह जनता के लिए पूरे जरूर किए जाए। नोएडा की घटना पर सवाल करने पर अखिलेश ने कहा कि वह बहुत ही निंदनीय घटना है। देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए अधिकारी पार्टी वर्कर के तरीके से नाम ले रहे हैं। राजस्थान में दलित युवक की पिटाई के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज जाति और भेदभाव से समाज पीछे जा रहा है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ध्यान में रखते हुए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सुख शांति समृद्धि सुरक्षा आदि के प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकार किसी भी बहाने से मुक्ति नहीं पा सकती है। बसपा प्रमुख मायावती 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बयान जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। मायावती ने कहा कि देश और दुनिया भर में रहने वाले समस्त भारतवासियों को 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत सरकार की यहाँ के करोड़ों लोगों के चयनित जन कल्याण, सुख शांति समृद्धि व सुरक्षा के प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी भी उतनी ही विशाल व विशेष है, जिस पर खरा और ईमानदार उतरने के अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व से कोई भी सरकार किसी बहाने से मुक्ति नहीं पा सकती। मायावती ने कहा कि इन खास बुलंदी मुद्दों के प्रति अपनी संवैधानिक चिंता, प्रयास, संघर्ष, योगदान को हर हाल में जरूरी जारी रखना है, क्योंकि इसी में ही देश और देशवासियों की इज्जत, शोहरत और बुलंदी है।